Welcome to my YouTube channel. I'm Amir Shahzad from RoshanTech eSite.pk. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं हस्बे मामूल एक घंटा वॉक के लिए निकला हूँ और नई रिकॉर्डिंग शुरू की है। काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं और अपलोड मैं नहीं कर सका, तो आज जो मैंने एक पहली जो वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई थी उसको अपलोडिंग पे लगा के आ रहा हूँ। तो उम्मीद है कि वापसी तक अपलोड हो चुकी होगी और फिर मैं अपने जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं और स्टेटस है फेसबुक आगे पीछे इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूँगा। उसमें तो खैर कोई इतनी ख़ास बात नहीं की है, लेकिन उसमें मैंने चले एक टेस्टिंग के लिए मैंने बनाई थी कि अगर मैं मोबाइल अपने फ्रंट पॉकेट में रख के वीडियो बनाऊं तो कैसा तजर्बा रहेगा। तो वो तजर्बा इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आप जब वॉक कर रहे होते हैं तो हरकत हो रही होती है, तो वीडियो इतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि अस्सलाम वालेकुम, दूसरी बात यह है कि रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा ऊपर रखना पड़ता है, माइक फिर ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है, ऑडियो क्वालिटी फिर इतनी अच्छी नहीं आती। और अभी मैं क्योंकि सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, तो मोबाइल को फिर पॉकेट में मैंने उल्टा रखा हुआ है, तो माइक क्योंकि मोबाइल के नीचे वाले हिस्से की तरफ होता है, तो उल्टा करने की वजह से फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। तो पिछले चंद रोज से मैं प्रोग्रामिंग के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, तो आज मज़ीद बात करता हूँ, क्योंकि इस चीज़ की मैंने बहुत कमी देखी है कि नए बच्चे जो सीख रहे होते हैं उनको कोर्सेज वो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग करने का जो प्रोसेस है वो उनको समझ नहीं आता। चीज़ें वो सीख लेते हैं, कीवर्ड्स सीख लेते हैं, इफ़ स्टेटमेंट कैसे, उसकी डिटेल्स देख लेते हैं, लूप्स की डिटेल्स देख लेते हैं। इसी तरह जो पुराने बंदे हैं जो कि डिग्रीज कर चुके हैं, कोर्सेज पढ़ चुके हैं, उनको भी ये मसला दरपेश आता है। चीज़ें उनको पता होती हैं कि इफ़ कंडीशन कैसे लगती है, लूप्स कैसे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको मुश्किल होती है कि प्रोग्राम डेवलप कैसे किया जाए। या अगर आपको ये मसले नहीं भी हैं तो फिर भी जो मैं इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूँगा, जो अपना प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ मैं, उसमें जो भी गुड प्रैक्टिसेस हैं उसकी वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। अभी तो खैर हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इब्तदाई मराइल की बात कर रहे हैं कि आप
कि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और यह आपको सीखी भी है, लेकिन फिर भी आपको प्रोसेस नहीं पता कि प्रोग्रामिंग में आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए और कौन कौन से स्टेप्स आप करके अपनी प्रोग्रामिंग को अच्छा बना सकते हैं। तो पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पिछली दो वीडियोस देखें। आज 19 तारीख है, तो आप जो है 17 और 18 वाली वीडियोस देखें। तो इसमें बात हम कल एक हम सिंपल लूप की हमने बात की थी कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक लूप लगता है, तो वो क्योंकि आमतौर पे आसान सिनेरियो होता है, तो इसलिए पहले उसकी बात की है। जिस तरह मैंने कहा है कि 1000 दफ़ा कोई चीज़ प्रिंट करनी है, तो वो सारी डिस्कशन कल हुई है। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर नेस्टेड लूप आपके प्रोग्राम में आते हैं तो फिर आप कैसे हैंडल करेंगे। पहली तो बात यह है कि आपको ये समझ आनी चाहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, उसको पढ़ के, या अगर आपका कोई सीनियर टीचर है, मैनेजर है, वो आपको बताता है, तो सुन के भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसमें सिंगल लूप लगेगा, नेस्टेड लगेगा, इफ़ कंडीशंस लगेगी। तो अभी मैं एक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ या रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि हमें क्या चीज़ चाहिए, तो फिर बताता हूँ कि हम इस चीज़ तक कैसे पहुँचेंगे कि इसमें दो लूप्स लगेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे जो एक लूप वाला काम है वो हम करें, और फिर दूसरे लूप वाला काम भी हम करेंगे। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है, या ये हमने चीज़ बनानी है कि, और अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो इसमें हम ज़्यादातर चीज़ें जो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है उसकी करेंगे, क्योंकि इसमें ही जो प्रोग्रामिंग लर्निंग है वो ज़्यादा है। और अगर आप GUI एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो उसमें और तरह की प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है। प्रोग्रामिंग यकीनन होती है, लेकिन पहले आपको फिर GUI एलिमेंट्स के हिसाब से कोडिंग करनी पड़ती है, और वहाँ पे ज़्यादातर इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। तो इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी, हम स्क्रीन की बात करते हैं टॉप लेफ़्ट, क्योंकि हमारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है तो आपका कंट्रोल स्क्रीन के टॉप लेफ़्ट पे होता है। फिर आप कुछ प्रिंट करते हैं एक करेक्टर, तो वो उसके आप समझे फर्स्ट कॉलम में आ गया। अस्सलाम वालेकुम। फिर बात आ जाती है कि आप अगर मज़ीद करेक्टर प्रिंट करते हैं और न्यू लाइन का कीवर्ड यूज़ नहीं करते, तो वो उसी नेक्स्ट करेक्टर उसी आगे पहली रो के सेकंड कॉलम में जाएगा, और इसी तरह सो ऑन। जितनी भी उसकी विड्थ है 80 करेक्टर्स की है, तो उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि पहली लाइन पे एक स्टेरिक प्रिंट हो, दूसरी लाइन पे दो स्टेरिक हों, और इसी तरह सो ऑन। तो अभी हम आसानी के लिए अपनी जो लिमिट है वो रोज़ की बनाते हैं कि पहली टोटल 10 रोज़ होंगी। तो जो पहली रो है उसमें एक स्टेरिक, दूसरी में दो, तीसरी में तीन, और आखिरी में इसी तरह 10 स्टेरिक्स प्रिंट होंगे।
तो इसमें हमें एक जो स्क्रीन की वर्किंग है उसको समझना चाहिए कि वो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है फ्लो, और लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो इसमें अगर तो हम ये चीज़ देखें कि 10 लाइनें हमने काम करनी है, और एक तो नॉर्मल तरीका है ना कि आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ एक स्टेरिक प्रिंट कर दें और न्यू लाइन का कीवर्ड भी यूज़ करें, फिर इसी तरह नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट स्टेटमेंट से दो दफ़ा स्टेरिक करें और सो ऑन। लेकिन ये एक इसमें कोई इतनी ख़ास प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं है, और साथ में इस तरीके की लिमिटेशन ये है कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट चेंज होती है कि आप 100 लाइनें करना चाहते हैं, 1000 या और ज़्यादा, तो फिर ये आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है। वरना सबसे अगर सिंपल और फास्टेस्ट समझें तो यही तरीका बन जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम्प्लेक्स करने का मकसद यही है, या फ्लेक्सिबल बनाने का मकसद यही है कि एक तो आपके लर्निंग उसमें होगी, लूप्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे मजबूरन ज़रूरतन, तो आपकी ये स्किल बनेगी कि प्रॉब्लम को कैसे हमने सॉल्व किया अच्छे तरीके से, फ्लेक्सिबल वे से। तो इसमें जिस तरह के हमने कल या परसों ये बात की थी कि स्टेरिक्स प्रिंट करने हैं तो हम अगर लूप के अंदर कर देंगे तो वो फ्लेक्सिबल काम हो जाता है, और अगर हम बैक स्लैश एन या एंड लाइन का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करते तो स्टेरिक टॉप रो से स्टार्ट होंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ और प्रिंट होते रहेंगे, और जब एक लाइन पूरी होगी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, और इसी तरह सो ऑन। लेकिन हमने वहाँ पे ये भी बात की थी कि अगर हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तरीके से करना चाहते हैं तो फिर हमें लूप्स के अंदर करें तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो फिर हमने ये किया, एक रिक्वायरमेंट चेंज की थी कि अगर हम चाहते हैं कि वो विड्थ वाइज वो ना जाए, एक स्टेरिक एक लाइन में आए, दूसरा स्टेरिक दूसरी लाइन पर आए, तो फिर हमने देखा था, हमने लूप के अंदर उसको इस्तेमाल किया था और स्टेरिक के साथ एंड लाइन का भी कीवर्ड यूज़ किया था। तो इसमें अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट को, जो भी हमारे पास सामने चीज़ है, अगर थोड़ी देर के लिए जो एक लाइन में एक से ज़्यादा जो स्टेरिक है उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो ये ऑलमोस्ट यानी 10 लाइनें हैं उसमें 10 स्टेरिक हमने प्रिंट करने हैं, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल जाएं बाकी स्टेरिक्स को, तो ये सिंपल वही एक लूप वाला सवाल बन जाता है। तो उसमें हम अपनी आसानी के लिए, वैसे तो आपके जो वेरिएबल्स हैं वो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम उसको 1 से भी कर सकते हैं, तो हम आसानी के लिए 1 से ही करते हैं। तो जो लूपिंग वेरिएबल है, फॉर लूप हम लगाते हैं, उसको 1 से स्टार्ट करते हैं, कंडीशन में लगाते हैं, जो भी लूपिंग वेरिएबल है, मिसाल के तौर पे वी उसका नाम है, वी इज़ लेस देन इक्वल टू 10, और फिर आखिरी जो उसका पोर्शन होता है फॉर का, वी प्लस प्लस, यानी वी के अंदर इंक्रीमेंट होता रहे। तो अभी हर हमें जो वी की वैल्यू है उसको तो हमने कहीं पे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट सिंपल स्टेरिक की इस्तेमाल करनी है, वरना बाज़ तो आपको डिजिट जो होता है वो उसकी भी अहमियत होती है, तो फिर वो 0 से स्टार्ट हो या 1 से हो फिर फ़र्क पड़ता है। तो इस केस में खैर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम फिर भी अपनी सहूलत के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे जो लूप की बॉडी है उसमें एक ही स्टेटमेंट हम लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रिंट स्टेटमेंट, और कोटेशन के अंदर स्टेरिक, और साथ में ही न्यू लाइन के लिए जो भी कीवर्ड है, बाज़ लैंग्वेज में बैक स्लैश एन होता है, बाज़ लैंग्वेजेस में एंड एल के नाम से होता है, तो जो भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें न्यू लाइन ऐड करने के लिए जो भी कीवर्ड है वो आप लगाएं। तो इसमें ये होगा कि
जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 10 लाइनें प्रिंट करेगा और हर लाइन में एक दफ़ा स्टैटिक प्रिंट हो रहा होगा। तो ये तो चले हमने एक उसका पोर्शन कर दिया। तो अब हमें ये ज़रूरत है कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें कि पहली लाइन में एक हो, दूसरी में दो और सो ऑन। तो क्योंकि यहाँ पे भी हम स्टैटिक की देखें तादाद है और ये फिर चेंज भी हो रही है और हम प्रोग्राम को डायनामिक बना रहे हैं, तो इसमें फिर हमें जो हमारे एक पहला जो लूप हम लगा चुके हैं वो लाइंस को कंट्रोल कर रहा है, तो सेकंड लूप को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे कॉलम्स को कंट्रोल कर रहा है, जो एक लाइन के अंदर कॉलम है। तो इसमें देखें जो पहले वाला लूप लगा हुआ है उसको तो हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पता है, वो हम लूपिंग वेरिएबल जिस तरह वी हमने इस्तेमाल किया है वो हम 1 से स्टार्ट किया है और वो 10 तक जाएगा। लेकिन जो अंदर वाला लूप है वो पहली दफ़ा उसके जो स्टार्ट तो वो 1 से ही करेगा, लेकिन जो उसकी एंड वैल्यू है पहली दफ़ा वो 1 होगी, दूसरी दफ़ा 2 होगी, 3 होगी, सो ऑन। तो इसमें आप एक चीज़ का पैटर्न, मतलब स्टार्ट तो वो 1 से ही होगा, सेकंड जो लूप है उसके वेरिएबल को V2 रख लें नाम अगर, तो वो उसके स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन एंडिंग वैल्यू का आप पैटर्न थोड़ा सा चेक करें। पहले लूप का जो वेरिएबल है वी, और जो उसमें फिगर आ रही है 1, 2, 3, वही जो अंदर वाला लूप है उसकी एंड कंडीशन बन रही है। तो ये पैटर्न आपने थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं या सोच के भी कर सकते हैं, आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिल जाए। और अगर पैटर्न इस तरह का नहीं मिल रहा, ऊपर वाले लूप से कोई इस तरह का वो लूप चल रहा है कि जो नीचे वो वैल्यू नहीं इस्तेमाल हो सकती, तो फिर आप ख़ुद से एक वैल्यू बनाएं, उस खुद से उसको मैन्युअली, मतलब उसको फिर आप प्रोसेस करें। तो चलें अभी तो हमें क्योंकि उससे सपोर्ट मिल रही है तो नीचे वाला जो लूप है उसका जैसे मैं कह रहा हूँ उसका नाम हमने V2 रखा है। V2 इज़ इक्वल टू 1, कंडीशन में हम लिखेंगे V2 इज़ लेस देन इक्वल टू V, जो कि ऊपर वाले लूप का वेरिएबल है, लूपिंग वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें ये होगा कि अब जब इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो पहली लाइन है उसमें वो एक दफ़ा ही प्रिंट होगा, दूसरी में 2 दफ़ा और सो ऑन। तो अब हमारे पास ये प्रोग्राम काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया है। इसको अगर हम जैसे 100 लाइनें करनी हैं तो ऊपर जो हमारे पास लूपिंग वेरिएबल है उसकी जो कंडीशन है वो 10 की जगह 100 कर दें, 1000 कर दें, तो इस तरह ये प्रिंटिंग उसी हिसाब से लाइन ज़्यादा हो जाएंगी। और इवन के अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर देंगे तो स्क्रीन डिस्टर्ब भी हो जाएगी। डिस्टर्ब ऐसे कि अब स्क्रीन की विड्थ लिमिट अगर 80 करेक्टर है तो जब 80 से ऊपर तक आपकी लाइंस पहुँचेंगी तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन पे आना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में जिस तरह वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रिंट हो रहा था उससे हट जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल तो बन जाती है अगर पहली लाइन में एक दफ़ा हो, दूसरी में 2 दफ़ा स्टैरिक हो, तीसरी में 3, इस तरह रेक्टेंगल बन रही है। लेकिन जब वो विड्थ फुल हो जाएगी तो वो रेक्टेंगल ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी बात आ जाती है आपकी अपनी थिंकिंग की कि आप किस तरह हैंडल करते हैं सिचुएशन को। तो इसको एक से ज़्यादा तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है, जैसे अभी हमने फॉर लूप से किया है, आप वाइल लूप के साथ करें आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं, तो इस वजह से कोडिंग अलग होती है लेकिन रिज़ल्ट आपका सेम होगा। तो एक तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि आप कभी भी क्लास में अपने किसी भी दोस्त से असाइनमेंट कॉपी करके ना दें, भले आप गलत करें
कम नंबर आपको मिलें वो ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़ी सी लर्निंग आपकी हो, क्योंकि अमूमन होता ही है कि आप अपने दोस्तों से यारों से जो भी क्लास में चंद 5-10% लड़के जो तेज़ होते हैं उससे लड़के फिर क्या करते हैं असाइनमेंट ले लेते हैं, फिर उसी को कॉपी पेस्ट ही करते रहते हैं या अगर तब्दीली भी करते हैं तो कोई थोड़ी सी। तो इस चीज़ से बचें, लर्निंग करें, खुद बनाएं, गलत बनाएं, बार बार टीचर को दिखाएं, ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा टाइम दें। तो ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग सीखने का तरद्दद एक दफ़ा करना है। जब नेक्स्ट लैंग्वेज आएगी तो आपने सिर्फ लैंग्वेज एलिमेंट्स को सीखना है। अच्छा जी, उस लैंग्वेज में इफ कंडीशन कैसे लगती है? तो मैं अगर बताऊं तो मैंने 1999 में जो डिप्लोमा किया था साल का, उसमें सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या इन दोनों में से कोई एक पढ़ी थी। फिर इसी तरह कुबोल एक लैंग्वेज थी, पहले वक्तों में उसमें डेवलपमेंट काफ़ी होती थी। तो इसी तरह बाद में जब मैंने डिग्री कंप्लीट की है, इसमें जावा पढ़ी है, और उससे पहले जो मैंने एक दो डिप्लोमे किए थे पिंडी से, वहाँ पे मैंने विजुअल बेसिक भी पढ़ी। तो इस तरह बाज़ लैंग्वेजेस तो एक से ज़्यादा दफ़ा पढ़ी, क्योंकि मैंने साल साल के तीन डिप्लोमे किए हैं और फिर मैंने डिग्री की थी, तो उसमें रिपीट भी हुई हैं चीज़ें। लेकिन बहरहाल उसमें लर्निंग मेरी और अच्छी हुई है। बल्कि अगर आपको एक सब्जेक्ट आता है, फिर आप टीचर को अपने ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो टीचर कैसे पढ़ा रहा है, तो अपनी आप फिर टीचिंग स्किल्स भी अच्छी कर सकते हैं नोट करके। तो इसके अलावा एक प्रोग्रामिंग के हवाले से डेटा स्ट्रक्चर के नाम से सब्जेक्ट है, तो इसके मेन मकसद तो ये होता है कि आप अपना डेटा जो है उसको किस तरह स्टोर करेंगे, किस तरह रिट्रीव करेंगे, तो उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। जैसे अरेज में आप स्टोर करते हैं, स्टैक में करते हैं, ट्रीज़ में करते हैं, इस तरह के मेथड्स मुख्तलिफ सिखाए जाते हैं। क्यूज़ किस तरह मेंटेन करनी है, क्योंकि आपको ये चीज़ें प्रोग्रामिंग में बाज़ जगह पे ज़रूरत पड़ जाती हैं। बाज़ जगह पे स्टैक एक बनाना पड़ जाता है और बाज़ जगह पे क्यूज़ बनानी पड़ती हैं कि जो फर्स्ट टाइम एंटर होगी वैल्यू वो फर्स्ट टाइम आउट होगी, और स्टैक बनाएंगे तो जो फर्स्ट एंटर होगी वो सबसे लास्ट में आउट होगी, क्योंकि उसके ऊपर नेक्स्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह तो इसमें ये बहुत अच्छी आपका सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग सीखने के हवाले से। मुझे खुद ये बहुत सब्जेक्ट अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें आपके लिए चैलेंजेस आते हैं जब आप चीज़ें बनाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। तो वापस हम आते हैं उसी एग्जांपल की तरफ जो जिसका हमने सॉल्यूशन किया है। फिर ये तो अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म है और इसका जो एक हिस्सा है रेक्टेंगल का वो बिल्कुल स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पे बन रहा है, तो इसी की आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर इस प्रोग्राम को करें तो ये करना थोड़ा सा इस पहले वाले की निस्बत मुश्किल हो जाएगा। यानी इसी को अगर आप फ्लिप कर दें तो जो पहला करेक्टर प्रिंट होना है, अगर हम ये एग्जांपल हुई 10 लाइंस वाली लेते हैं, तो उसमें ये होगा कि पहले 9 स्पेसेस आपने प्रिंट करनी है, फिर आपने पहला स्टेरिक प्रिंट करना है। इसी तरह फिर अगली दफ़ा आपने 8 स्पेसेस प्रिंट करनी है और 2 दफ़ा स्टेरिक, और फिर नेक्स्ट 7 स्पेसेस और 3 स्टेरिक, तो सो ऑन। तो वो जब आखिरी लाइन पे आएंगे तो आखिरी लाइन में
आपने स्पेस कोई भी ऐड नहीं करनी, आपने सिर्फ स्टेरिक बैंड करना है। तो इसके अब देखें, आप थिंकिंग इस पे करें, ये पहले वाले की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके अलावा जो एक आसान है वो वाला ये है कि आप जैसे अभी तो हमने ये किया है कि पहली लाइन में एक स्टेरिक प्रिंट हो रहा है, अगर इसका हम अपोज़िट करें, पहली लाइन में 10 दफ़ा स्टेरिक प्रिंट हो, अगली लाइन में 9 दफ़ा और सो ऑन, इसी तरह आखिरी लाइन में 10 दफ़ा, तो इस प्रोग्राम को बनाना आसान है। तो इसको हम मतलब इस तरह की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जिसको आप ख़ुद मेहनत करके उस पर हाथ साफ करें, ट्राई करें, बार बार ट्राई करें, भले ये इस तरह के प्रोग्राम एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन जब आपकी एक दफ़ा प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप हो जाएगी तो फिर आपको परवाह भी नहीं होगी कि आपका एग्ज़ाम में सवाल क्या आएगा। तो मैं आपको अपने सिचुएशन बताता हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग जब साल का डिप्लोमा किया था, उसके बाद काफ़ी मैंने अपनी तरफ से अच्छी प्रैक्टिस की, तो उसमें उस वक्त के हिसाब से वो एक काफ़ी मुश्किल प्रोग्राम आ गया था फाइनल पेपर में, लेकिन शुक्र है मैं वो अच्छे से कर लिया। तो उसमें करना ये था कि यूज़र से इनपुट लेनी थी, अभी तो खैर वो आसान ही लगता है लेकिन उस वक्त के हिसाब से मुश्किल था। तो आपने सब करेक्टर्स की फ्रिक्वेंसीज निकालनी थी, ए कितनी दफ़ा आया है, बी कितनी दफ़ा आया है, सी कितनी दफ़ा, सो ऑन। तो खैर अब हम वापस प्रोग्राम की तरफ आते हैं। इसमें ये स्ट्रेटजी भी ठीक है कि पहले जो आप आसान टास्क हैं वो करें, क्योंकि जब आप वो कर लेते हैं आपको उसमें भी मुश्किल होती है शुरू में, लेकिन फिर आपके अंदर एक एतमाद भी आता है कि भाई थोड़ी सी कोशिश करूं तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें हमने जो काम करना है वो छोटा सा अपने लूप का स्ट्रक्चर चेंज करना है, बाकी जो एक से दस तक जो लाइनों वाला है वो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो कॉलम्स को प्रिंट कर रहा है उसमें अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। पहली दफ़ा में आपने 10 डायरेक्ट प्रिंट करने हैं, तो जो ऊपर वाला देखें, अब इसमें हमें जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जो अंदर वाला लूप है उसमें हमें कंडीशन जो है वो, अगर तो आपके जो ऊपर वाला लूप है वो उसकी सपोर्टिंग है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप मैन्युअली ख़ुद से एक इस तरह की कंडीशन बनाएंगे। तो पहली दफ़ा क्योंकि 10 दफ़ा स्टेरिक प्रिंट होना है, तो आप एक तो ये कर सकते हैं कि जो इंटरनल लूप है उसके ऊपर एक वेरिएबल लें, लेट्स से उसका नाम आप एक्स रख दें, एक्स इक्वल टू 10, और उधर कंडीशन में आप लिखेंगे कि v2 इज़ लेस देन इक्वल टू x, और जब ये इंटरनल वाला लूप है उसकी क्लोजिंग से पहले पहले आपने x को माइनस माइनस कर देना है, तो ये आपका ऑलमोस्ट प्रोग्राम बन गया। तो इसमें आप देखें हमारे पास अब कंडीशन हमें वो मैचिंग नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो हमने पिछली एग्जांपल की जो बात की है उसमें तो हमने यही किया था, जो आउटर लूप है ऊपर वाला लूप है वो 1 से 10 तक चल रहा था। तो बहरहाल अब देखें थोड़ा सा हम इस प्रोग्राम को और बेहतर करते हैं और जो वेरिएबल हमने एक एक्स्ट्रा यूज़ किया है एक्स, उसको ख़त्म करते हैं। तो उसमें आप देखें वो लूप जो लाइंस वाला है वो लूप 1 से 10 तक चले या रिवर्स में 10 से 1 तक चले, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम प्रिंट स्टेरिक करा रहे हैं। तो अगर हम लूपिंग वेरिएबल को प्रिंट करा रहे होते ना तो फिर फ़र्क पड़ता था। तो अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ये चेंज करें, जो ऊपर वाला लूप है जो हम कर दें v इक्वल टू 10 और कंडीशन हम चेंज कर दें v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और जो नेक्स्ट पार्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का फॉर लूप में
उसमें आप वी माइनस माइनस कर दें, तो अब आपको फिर वही पैटर्न मिल गया ऊपर वाले लूप से, जो कि पहली दफ़ा 10 होगा, फिर 9 होगा और सो ऑन 1 तक आएगा। तो जो नीचे वाला लूप है वहाँ पे फिर आप कंडीशन में आप देखेंगे उसका, क्योंकि लूपिंग वेरिएबल हमने उसका नाम वी टू रखा था, ऊपर वाले का नाम सिर्फ वी था, तो हम लिखेंगे वी टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स टू, सॉरी सिर्फ वी, वी टू इज़ लेस देन इक्वल टू वी। तो वी में पहली दफ़ा 10 आएगा, तो ये लूप फिर हमें समझ आ गई कि ये पहली दफ़ा ही 10 दफ़ा चलेगा, तो 10 दफ़ा स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। तो अभी आप देखें जो आउटर लूप है उसकी नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी तो वो 10 की जगह 9 हो जाएगा, और नीचे वाले लूप में जो कंडीशन बनेगी वो यही बनेगी वी टू इज़ लेस देन वी, और वी की वैल्यू क्योंकि 9 है तो इसका मतलब है कि वो इस दफ़ा 9 दफ़ा प्रिंट होगा और सो ऑन। तो इस तरह हमने मतलब हमारे प्रोग्राम में पहले, क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम को ही एक्सटेंड करके काम कर रहे थे, तो इब्तदाई तौर पे हमें उससे सपोर्ट नहीं मिल रही थी आउटर लूप से, तो हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया, वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था। ज़्यादा बेहतर तो यही था कि आप जहाँ पे बचा सकें वेरिएबल आप बचाएं। तो फिर हमने लूप के स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया तो हमारा वो एक्स्ट्रा वेरिएबल भी निकल गया। तो फिर ये वाली जो रेक्टेंगल है इसमें पहली रो में 10 दफ़ा स्टेरिक है, अगली में 9 दफ़ा, तो इसको भी अगर आप फ्लिप करें तो ये भी बनाना जो पहली दो एग्जांपल्स अब हम सीख चुके हैं उसकी नस्बत मुश्किल है। तो इसको फ़्लिप करें तो पहली लाइन तो ठीक है 10 स्टेरिक ही हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइन में पहले 10 स्पेसेस आएंगी, फिर स्टेरिक आएगा, और फिर इसी तरह 8 स्पेसेस और 2 स्टेरिक, अगली लाइन में 7 स्पेसेस और 3 स्टेरिक, एंड सो ऑन, और आखिरी जो लाइन होगी वहाँ पे स्पेसेस कोई नहीं होंगी, सिर्फ एक स्टेरिक ही प्रिंट करना होगा। तो इसको डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल है जो हमने पहले वाली जो एग्जांपल्स की हैं उसकी निस्बत। उसमें एक वजह तो ये है कि बीच में इसमें हमें स्पेसेस भी ऐड करनी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऊपर वाला एक आउटर जो लूप है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर एक की जगह दो लूप्स आ जाएंगे। एक लूप तो वही होगा जो स्टैटिक प्रिंट कर रहा है, और दूसरा लूप हमें स्पेसेस प्रिंट करने के लिए चाहिए होगा। तो पहले हमने जो पहले, क्योंकि ये मिलते जुलते दोनों प्रोग्राम बन जाते हैं, जो पहले हमने दो एग्जांपल्स किए हैं ना, ये इन्हीं दोनों को जो फ्लिप करें ना अगर आप, तो इसको अगर हम जो पहली एग्जांपल की थी उसके हिसाब से अभी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें देखें कि उसमें हमें पहले स्पेसेस लाइंस वही 10 लाइंस हैं, वो लूप हम वैसे ही उसको रहने देते हैं 1 से 10, जिस तरह हमने पहली एग्जांपल में किया था वैसे ही उसको हम चलने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो उसको हम अभी फ़िलहाल जैसे पहली एग्जांपल थी सेम उसी को हम एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह अभी हमने एग्जांपल टू में भी उसी को एग्जांपल वन को ही लेके हमने डेवलप किया था।
तो वैसे तो इस चीज़ के कोड आपको वैसे भी सर्च करें तो आपको आराम से मिल जाएंगे, लेकिन मेरा जो मकसद है वो आपसे ये चीज़ शेयर करना है कि थिंकिंग प्रोसेस क्या है, कि हम किस तरह चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। आपके एक जहन में प्लान होता है, फिर आप उसको कोड लिखते हैं। ऐसे नहीं है कि बग़ैर सोचे समझे आपने कोड लिखना शुरू कर देना है। पहले आप कुछ सोचें, उसके माइंड में थोड़े से स्टेप्स सोचें कि ये काम पहले होगा बाद में होगा, तो ठीक है। उसी तरह हमारा वेरिएबल्स भी हम कोशिश करते हैं वही नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा ना हो। वी वेरिएबल है, वन से स्टार्ट हो रहा है और उस कंडीशन वी इज़ लेस देन इक्वल टू 10 और वी प्लस प्लस, ये फॉर लूप जिस तरह लगा हुआ है। तो अभी सिर्फ आप उसमें प्रिंट करें स्टेरिक और एंडल उसको कर दें ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए। तो अभी इस प्रोग्राम को अगर आप यानी कि बीच वाला कोड अभी आप मज़ीद जो है वो उसका ख़त्म कर दें, तो अभी इसको आप रन करेंगे तो ये वही जो इनिशियल हमने किया था कि 10 लाइनें होंगी और 10 स्टेरिक प्रिंट हो जाएंगे। या एग्जांपल अगर हम वही रहने दें जो एग्जांपल वन की है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें फिर हमें वही बताना पड़ेगा कि स्टेरिक जो ज़्यादा दफ़ा प्रिंट करना है। तो चलें अभी हम शुरू कर चुके हैं इसको, तो ऐसे ही करते हैं। तो पहले जैसे कि हमने 9 स्पेसेस प्रिंट करनी है, तो इसमें अब हम देखते हैं कि जो स्पेसेस के लिए हमें कंडीशन चाहिए, स्टार्ट तो हम उसको स्टार्ट हमें 9 से करना है और क्योंकि हम उसको 9 दफ़ा चलाना चाहते हैं, तो इसमें हम एक वेरिएबल एस ले लेते हैं स्पेसेस के लिए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एस इक्वल टू 1 और कंडीशन में हम दें एस इज़ लेस देन, तो इसमें हमें देखें एक और वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। तो इसके निस्बत या अभी हम ये कि इसको एक और वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद इसमें लर्निंग ही है, वरना इसमें यह कि बाद में एक आसान जो अप्रोच है वो भी हम देख सकते हैं। जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल 2 में स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया था तो वो एक्स्ट्रा वेरिएबल निकल गया था, लेकिन अभी आसानी के लिए हम एक वेरिएबल एस एंड के नाम से बना लेते हैं इस स्पेस वाले लूप से ऊपर। तो उसको हम जितनी दफ़ा हमने प्रिंट कराना है वही वैल्यू दे देते हैं एस एंड इक्वल टू 9। तो ये स्पेस के लिए जो हमने लूप अब लिख रहे हैं उसकी स्टार्ट तो ऐसे ही बनेगा एस इक्वल टू 1, एस इज़ लेस देन एस एंड जो कि 9 है और फिर इंक्रीमेंट पार्ट एस प्लस प्लस। तो यहाँ पे जो आपने प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर आपने सिंपली कोटेशन के अंदर स्पेस दे देनी है। तो आप खुद जिस तरह कल भी मैंने बात की है कि ड्राई रन करें कि लूप की पहली आइट्रेशन आई है आउटर लूप की, उसमें वी में 1 है। अभी हम ज़रूरत नहीं, लेकिन वैसे अपने यादानी के लिए ही हम उसको रिपीट कर रहे हैं। और नीचे एस एंड के अंदर आ गया 9 और जो लूपिंग वेरिएबल है इंटरनल स्पेसेस के लिए जो हमने लूप बना रहे हैं उसमें एस इक्वल टू 1 है। तो ये अब जो इंटरनल स्पेस वाला लूप है, अब इसकी पहली आइट्रेशन में एक स्पेस प्रिंट हुई, इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन आई और एस प्लस प्लस हो गया, कंडीशन चेक हुई इसमें क्योंकि 2 हो गया, इसमें 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 9, ओके एक और स्पेस प्रिंट होगी सेकंड। इस तरह करते करते जब
नौवीं स्पेस भी प्रिंट हो गई। तो अस्सलाम वालेकुम, तो लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन चली और उसमें एस में प्लस होके 9 हो गया। कंडीशन चेक हुई, बल्कि ये 9 टाइम हो चुका है, ये उसके बाद की बात है, तो वो इंक्रीमेंट हो गए 10 हो गया और कंडीशन चेक हो रही है कि एस इज़ लेस देन इक्वल टू एस एन। तो एस के अंदर 10 आ गया है और एस एन के अंदर 9 है, कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये यहाँ से निकल आएगा। तो जिस तरह हमने एग्जांपल 1 में कोड लिखा था, पहली दफ़ा एक स्टैटिक वो प्रिंट था, आपने वही कोड इंटरनल लूप वाला लिख देना है। तो उसमें जो आउटर लूप था, हमने उसी को स्टैटिक जो प्रिंट कर रहा है उसके लूप की कंडीशन में हमने लिख दिया था v2 इज लेस देन इक्वल टू v, जो कि आउटर जो लूप है उसका वेरिएबल है। तो यानी इनडायरेक्ट आपकी जो एग्जांपल 1 थी हमने शुरू में की है, ये ऑलमोस्ट वही कोड है, लेकिन जो स्टैटिक प्रिंट करने वाला लूप है उससे ऊपर हमने ये स्पेस प्रिंट करने वाला लूप लगा दिया है। अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरह थोड़े से हमने वो स्पेसेस का लूप लगा के हमने इसको हैंडल कर दिया है। तो इसमें अभी देखें, जैसे मैं खुद शुरू में बात कर रहा था कि हम वेरिएबल को ख़त्म करेंगे, लेकिन अब देखें जैसे मैं भी अब थिंकिंग कर रहा हूँ ना, तो इसमें अब सेकंड वाला लूप हम देखते हैं कि जब वो प्रिंट करने होते हैं स्टैटिक, तो जो ऊपर वाला लूप है जो वी वेरिएबल है वो हम नीचे कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे थे v2 इज़ लेस देन इक्वल टू v। तो इसका मतलब ये है कि हमें तो वो लूपिंग वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर हम इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि अगर हम ऊपर वाला जो आउटर लूप है उसको रिवर्स में चलाएं ना, अगर अपनी स्पेसेस वाले लूप के लिए, तो फिर नीचे हमें फिर भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ जाएगा इसके कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अभी फिर हम जो एक रेक्टेंगल रह गई है उस पर बात करते हैं, और इवन फिर आप जब ये भी कर चुके थे उसके बाद एक आप इसको टास्क के तौर पे ये काम कर सकते हैं, एक प्रोग्राम ऐसे बनाएं जिसमें ये सारी रेक्टेंगल्स इकट्ठी हो के आ जाएं। यानी आपके टॉप लेफ्ट पे पहली एग्जांपल वाली रेक्टेंगल और टॉप राइट पे जो हमने फ्लिप वाली एग्जांपल अभी हमने जो की है वो, फिर बॉटम लेफ्ट पे जो हमने एग्जांपल 2 की है वो, और बॉटम राइट पे जो भी हम डिस्कस करने लगे हैं। तो एक इन सब के अलग अलग प्रोग्राम बनाएं और एक फाइनल प्रोग्राम बनाएं, इन सब को इकट्ठा कंबाइन करके स्टैटिक प्रिंट करें। तो जब आप ये रेक्टेंगल्स इस तरह मर्ज करेंगे तो सारे एक आपके बॉक्स की सूरत में ये स्टैटिक्स प्रिंट होंगे, और अंदर आपके ना एक डायमंड की तरह की शेप आपकी बन जाएगी। तो चले हम आखिरी जो रेक्टेंगल है उसके ऊपर बात करते हैं, और फिर मेरे ख्याल हमारा ये टाइम जो है वो घंटे वाला ये भी पूरा हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे
इसमें क्या है कि पहली दफ़ा आपकी 10 टेरेक्स प्रिंट होंगे और अगली दफ़ा एक स्पेस होगी, 9 स्टेरिक होंगे और सो ऑन। तो इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल में मैंने जो एक्सप्लेन करा था कंबाइन करने वाली, ये थोड़ी सी मैं उस वक्त गलत बता गया हूँ। इसमें जो हमने पहली एग्जांपल की थी उसके जो फ्लिप करने वाली है ना, वो अभी हम करेंगे, क्योंकि उसमें हम देखें ना, अभी हमें पता है पहली रो में आपके 10 टेरे के होंगे, अगली में 9 होंगे, फिर 8, इस तरह सो ऑन। तो ये जो पहली हमने शुरू में एग्जांपल की थी ना इस डिस्कशन के, ये उसकी ही बनती है। तो जिससे पहले मैंने अभी बताई है वो जो सेकंड एग्जांपल की थी उसको फ़्लिप करने से वो वाली बनती है। सलाम, तो चलें इसको हल करते हैं। आउटर लूप, तो अब देखें जितनी भी एग्जांपल्स हैं इसमें आउटर लूप आपका ऑलमोस्ट वैसे ही लगेगा, उसमें वही 1 से 10 या 10 से 1 की तरफ चलाना है। मतलब उसके ज़्यादा अहम चीज़ ये नहीं है कि वो 1 से 10 चले या 10 से 1 चले, ज़्यादा अहम चीज़ है कि 10 दफ़ा चले। तो फिर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको चेंज भी कर लेते हैं कि वो 1 से 10 चले या 10 से 1 चले। तो अभी हम उसको इनिशियली 1 से 10 ही चलाते हैं और फिर देखते हैं अगर ज़रूरत है तो उसको फिर चेंज करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पहली दफ़ा में स्पेस जो है वो एक भी प्रिंट नहीं होनी, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने कंडीशन लगानी है, वेरिएबल्स हम तकरीबन वही इस्तेमाल करते हैं स्पेस के लिए, एस का लूपिंग वेरिएबल, उसको स्टार्ट तो हम 1 से ही करेंगे और जो कंडीशन लगानी है उसमें हमें ऊपर वाले लूप से, क्योंकि सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि ऊपर में पहली दफ़ा 1 आएगा फिर 2 आएगा, तो कंडीशन में हम ऊपर वाला जो वेरिएबल है एस इज़ लेस देन वी करेंगे। अब यहाँ पे इक्वलिटी हम नहीं ऐड कर रहे, उसकी वजह यह है कि अगर इक्वलिटी ऐड करें 1 इज़ इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू होती है और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी, जबकि पहली दफ़ा में हमने स्पेस प्रिंट नहीं करानी, हमने स्पेस जो प्रिंट करानी है वो दूसरी आइट्रेशन में करानी है। तो चलें, कंडीशन में हमने लिख दिया एस इज़ लेस देन वी और फिर उसी तरह इंक्रीमेंट एस प्लस प्लस। तो इसको चले हम एक दफ़ा इसको ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ पुट करते हैं, ऊपर हमारा आउटर लूप स्टार्ट हुआ, वी में वैल्यू 1 आ गई और अभी हमने स्टेरिक जो प्रिंट कराने हैं उसका हमने लूप नहीं लगाया, लेकिन ठीक है अभी हम फोकस इस पे करते हैं सिर्फ। तो एस में वैल्यू 1 आ गई, लूप की पहली आइट्रेशन है और वो कंडीशन चेक होती है 1 इज़ लेस देन 1, यानी कंडीशन चेक हुई एस इज़ लेस देन वी, तो ये फॉल्स हो गया, तो वो पहली दफ़ा में नहीं चलेगा। अभी हमने स्टेरिक वाला लूप लगाना है, लेकिन अभी उसको थोड़ी देर के लिए हम स्किप कर रहे हैं। तो आउटर लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन आई और वी के अंदर आ गया 2 और जो स्पेसेस वाला लूप है उसमें एस में, क्योंकि वो तो हर आइट्रेशन में 1 से स्टार्ट होता है, वो उसमें फिर 1 आ गया और चेक हुआ एस इज़ लेस देन वी, एस में 1 है, वी में 2 है, तो ये ट्रू है। तो क्या हुआ, एक स्पेस प्रिंट होगी, तो स्पेस खैर हमें नज़र तो नहीं आएगी,
वो तो जब हम स्टेरिक प्रिंट करेंगे तो तब हमें पता लगेगा वाकई स्पेस आई है। तो अभी हमें, क्योंकि इसकी हमने जो ड्राई रन किया है एक सैंपल के तौर पे, हमें समझ आ गया कि ये ऐसे ही चलेगा। तो अभी हम स्टेरिक जो है ना वो प्रिंट करने की करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे हमने पीछे स्पेसेस प्रिंट की थी, यानी पहली दफ़ा इसमें, खैर हमने 10 दफ़ा करने हैं, हम एक जो वेरिएबल है वो बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें अब एक चीज़ ये देखें कि ऊपर हमने लूपिंग वेरिएबल एक एस इस्तेमाल किया था स्पेसेस के लिए, लेकिन क्योंकि वो लूप चल चुका है, ठीक है, वो लूप चल चुका है और उसका जो वेरिएबल है उसमें लास्ट वैल्यू जो भी है वो हमने नीचे कहीं भी इस्तेमाल नहीं करनी। तो इसका मतलब ये है कि हम उस वेरिएबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ये स्टैटिक वाले लूप के लिए। तो मैं ऐसे करता हूँ, उसी वेरिएबल में s इक्वल टू 10 कर देता हूँ। अब ये स्टैटिक जो प्रिंट कराने हैं, इसके लिए आपको पता है हमने पीछे जितनी एग्जांपल कर रहे थे उसमें v2 के नाम से एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसको हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं 1 से और लिखते हैं v2 इज लेस देन इक्वल टू s में हमने खुद स्टोर किया है 10। तो इसका मतलब है कि फिर नीचे उसी तरह हमने स्टैटिक को प्रिंट करना है। अच्छा, एक और जो बात है कि जहाँ पे भी हमारे ये इसमें एक चीज़ मैं बतानी बीच में रह गई है, वो अभी चले आपसे शेयर करता हूँ। जितने भी हमने ये वाली एग्जांपल्स किए हैं आखिरी दो, इसमें जैसे कि एक तो आउटर लूप है और इंटरनल लूप्स दो हैं, तो इसमें आपने जो एंड एल इस्तेमाल करना था वो अब आप ज़हन में रखें कि वो जो इंटरनल दो लूप्स हैं उस उनकी बॉडी के बाहर और आउटर लूप की बॉडी क्लोज होने से पहले पहले वो एंड लाइन की स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे अभी स्टैटिक हम कर रहे हैं ना प्रिंट, तो पहली दफ़ा ये अगर तो स्टैटिक के साथ हमने एंड एल लिख दिया, स्पेसेस वाला काम तो हम कंट्रोल कर चुके हैं, और उसके भी बाद जब ये हम स्टैटिक अब प्रिंट कर रहे हैं तो जिस तरह हमने शुरू में एंड एल उसके साथ ही लिखा था, तो अगर वो साथ ही लिखा हुआ होगा तो वो तो फिर आपके गलत कर देगा ना। तो आपने उसको स्टैटिक, सिर्फ स्टैटिक प्रिंट करें और उसके बाद एंड एल का कीवर्ड यूज़ करें, ताकि लूप की जब नेक्स्ट आइट्रेशन, आउटर लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन शुरू हो तो वो नेक्स्ट लाइन पे ही काम कर रहा हो। तो ये आपने एग्जांपल्स, अगर आप उसको कोड करते हैं और रिज़ल्ट गलत आ रहा है तो उसमें ये चीज़ आप नोट करें, क्योंकि मैं तो अभी ज़बानी बता रहा हूँ, इसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो थिंकिंग प्रोसेस है वो समझाने की कोशिश करूँ। अगर मैं खुद कर रहा होता मैं तो साथ साथ टाइप करता, और जिस तरह कल की वीडियो में भी मैंने बताया है कि ये स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और साथ में वेरीफाई करते हैं कि वाकई ऐसे हो रहा है। जैसे अभी हमने ऊपर स्पेसेस वाला काम किया है, स्पेसेस अब हमें नज़र नहीं आती, तो आप उसमें टेस्टिंग के लिए स्पेस की जगह एस लिख दें, एस करेक्टर, तो एस एस लिखा हुआ आएगा, तो आप खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई स्पेसेस आ रही हैं। तो बाद में आप बेशक उसको फिर हटा दें, एस को, उसको स्पेस ही कर दें, तो ठीक है, इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। तो स्टैटिक वाले लूप की कंडीशन v2 इज़ लेस देन s और v2++। अच्छा, इसमें आप
इसमें मैं थोड़ा सा फिर ज़रा रिवाइज़ करता हूँ अपने दिमाग में ही सारा, इसमें कुछ लगता है हम गलती कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट का जो काम है ये सारा थिंकिंग का ही काम है। आप सोचते हैं, रिज़ल्ट गलत आता है, फिर से सोचते हैं, फिर से ड्राई रन करते हैं, कॉपी पेन पे करें या दिमाग में ही चला के करें। तो स्टेरिक पहली दफ़ा 10 प्रिंट होंगे, वो एस में हमने 10 दिया था, ठीक है। हाँ, इसमें हम एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो एस हमने लिखा है उसमें तो 10 हर दफ़ा ही जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो आउटर लूप की जितनी भी आइट्रेशन आएंगी, तो ये स्टेरिक वाला जो लूप है ये 10 स्टेरिक ही प्रिंट करेगा। तो इसमें अब देखें, ये एक मिस्टेक है। स्पेसेस वाला जिस तरह हमने जितना अपने एंड पे उसको ड्राई रन किया वो लग रहा था कि वो ठीक चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें ठीक ना चलें, उसको रिवाइज़ करें, कोड को अपडेट करें, उसको फिर छोटे छोटे स्टेप्स में उसको वेरीफाई करके काम करें। तो इसमें जो हमने कंडीशन लगाई है उसको हम इस तरह कर सकते हैं, बल्कि शायद हमें लूपिंग वेरिएबल की ज़रूरत भी नहीं है। उसमें क्योंकि पहली दफ़ा हमने 10 दफ़ा प्रिंट करना है और दोबारा 9 दफ़ा प्रिंट करना है, तो इसमें हम फिर ये कर सकते थे कि इसको हम अगर स्टार्ट तो चलें ठीक है 1 से ही कर रहे हैं, ऊपर से वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी असल में मेरे ख़ुद जो है ना दिमाग की थोड़ी सी दही बन गई है, अगर तो अब मेरे पास पेपर पेन होता तो मैं इसको ज़्यादा आसानी से सॉर्ट आउट कर लेता। तो इसको अगर हम स्टार्ट ही 10 से करें और इसको रिवर्स में चलाएं और ग्रेटर देन कंडीशन में हम उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जो ऊपर से हमारा लूपिंग वेरिएबल है वी, वो अगर दे दें तो मेरे ख्याल से ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो इसको चले हम फिर रिवाइज़ करते हैं, टाइम भी हमारा 1 घंटे वाला तकरीबन पूरा होने लगा है, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो एग्ज़ैम्पल कोड है वो दोबारा से डेवलप करके, या कहीं से मिलते हैं तो वो उसको वेरीफाई करके कि ये सही चल रहे हैं तो वो कॉपी कर दूँ। तो जो स्टेरिक वाला लूप है उसमें हमें फिर एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम फिर करेंगे कि वी टू इक्वल टू 10, और कंडीशन में हम लगाएंगे कि वी टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वी, और फिर आगे डिक्रीमेंट हम करेंगे वी टू माइनस माइनस। तो इसमें अगर हम सोचें ऊपर से वी की वैल्यू 1 है
और यहाँ पे जिस तरह हमने उसको कहा है कि V2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसकी अब देखिए स्टैटिक प्रिंट वाले की हम पहली आइट्रेशन लेके आ रहे हैं, तो ये कंडीशन ठीक बन रही है, 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एक स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी, इसमें 9 आ जाएगा, ये फिर कंडीशन चेक होगी, 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह 10 से लेके 1 तक आएगा, तो 10 स्टैटिक प्रिंट हो जाएंगे। तो अब हम सोचते हैं कि इस लूप से, ये स्टैटिक वाले लूप से बाहर निकलता है, यहाँ पे हमने एंड एल कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है आउटर लूप क्लोज होने से पहले पहले, तो वो आपका एंड एल भी हो गया, पहली लाइन में 10 स्टैटिक प्रिंट हो गया। अब हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ गया, लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन चली, आउटर लूप की बात कर रहे हैं, वी में आपका 2 आ गया और स्पेसेस जो हैं अब उसमें हम देखते हैं कि एक स्पेस प्रिंट होगी, और फिर इसी में हम स्टैटिक वाले लूप में आते हैं, क्योंकि इसके लिए हम ये ड्राई रन कर रहे हैं, स्पेसेस वाले को भी हम स्किप कर रहे हैं। और मैं घर भी पहुंच गया हूँ, लेकिन ये कि मैं ये कंप्लीट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो अब इसको हम ड्राई रन करते हैं फिर। तो ये तो जिस तरह हमने बात की है कि इसको स्टार्टिंग हमने V2 इज़ इक्वल टू 10 किया हुआ है, तो कंडीशन चेक होगी 10 इज़ लेस देन V, और V में हमें पता है 2 है, तो 10 जो है वो सॉरी गलत बोल रहा हूँ, जो V2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू V, तो V2 में 10 है और V के अंदर 2 है, तो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ट्रू है, स्टैटिक प्रिंट होगा। फिर इसमें 9 आएगा, 9 भी 2 से ग्रेटर है, करते करते ये फिर आपके 9 स्टैटिक प्रिंट हो जाएंगे। तो अभी ज़बानी कलामी तो इतना ही सही हो रहा है, बाकी आप बज़ाहिर आप ये लग रहा है कि ठीक हो गया हमारा। तो इस तरह डेवलप करें ये चीज़ें खुद से, जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी, क्योंकि आप अगर ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके करते रहेंगे तो फिर आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, आप मेमोराइज़ करेंगे। तो इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको फिर आपकी लॉजिक एक डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर ये कि आपके पास यानी इनडायरेक्ट ये है कि आप अपने आप को जिस तरह कंप्यूटर प्रोसेस करते हैं, आप तकरीबन अपने आप को कंप्यूटर बना लेते हैं और ख़ुद सारी प्रोसेसिंग करना सीखते हैं, पेपर पे चाहे करें चाहे दिमाग में करें। तो असल बात तो यही है कि जब तक आपको खुद वो प्रोसेसिंग करनी नहीं आती जो कंप्यूटर ने करनी है, तो आप कंप्यूटर से कैसे काम करा सकते हैं। तो सही है, इसमें आप चीज़ें करें। इस सेशन का मकसद यही है कि एक थिंकिंग प्रोसेस जो है वो आपके अंदर एक डेवलप हो और अपने अंदर एक एतमाद पैदा करें, छोटे छोटे स्टेप्स लेके चीज़ें बनाएं, साथ साथ वेरीफाई करें, टाइम आपको लगाना पड़ेगा और फिर आपकी ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला बननी शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। At the end, I'll say, do subscribe my channel and hit the like button if this video is worthy. Otherwise, don't forget to let me know in the comments how to improve it. Thank you. Have a good day and goodbye.